यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से STT संबंधित माध्यमिक शिक्षकों की बहाली संबंधित क्या कुछ खबर है, साथ ही साथ 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया से संबंधित क्या कुछ खबर है उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 999 पद रह गए खाली। जी हाँ दोस्तों, अब कहीं ना कहीं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की बात की जा रही है। तो नियुक्ति की बात करें अगर माध्यमिक विद्यालयों में, तो नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में के लिए आवेदन आना जो है वो प्रारंभ हो गया है। अब देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के 870 पदों के लिए आवेदन हो गया शुरू। ठीक है, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और अब कहीं ना कहीं ज़्यादा देरी नहीं लगने वाली है, जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया पूरी होनी है। दे सकते हैं पूरा अपडेट दिया गया है कि छठे चरण की शिक्षक नियोजन में जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त 870 पदों के लिए बुधवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 सितंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। जिले में 30 जून 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक के 359 व उच्च माध्यमिक के 511 पद खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर आवेदन डालने के बाद भी इस जगह पर देख सकते दूसरे चरण में जो काउंसलिंग के बाद भी 999 पद जो है यहाँ पे खाली रह गए हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षकों का अपडेट है कि इतना आवेदन करने के बाद इतने जो पद हैं 999 पद की जो हैं वो फिर खाली रह गए हैं। आगे देखें दोस्तों, शिक्षा मंत्री से नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। नियोजित शिक्षक संघ की मांग की है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता दे। शिक्षा मंत्री बोले नियुक्ति पत्र दिए जाने की है तैयारी। तो देख सकते हैं दोस्तों नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द देने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले कहा गया जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षा मंत्री से कहा गया है कि वो बेरोजगारी का भत्ता तब तक उन्हें देते रहें। आगे देख लिखा है राज्य में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और आगे देखिए लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बातें कही है कि अब तक जो अभ्यर्थी यह मानकर चले थे कि पंचायत चुनाव की वजह से नियुक्ति पत्र मिलने में विलंब होगा उनके लिए यह खुशखबरी है। दूसरी तरफ TT/STT उत्तीर्ण युवी संघ गोपगुट ने बिहार सरकार से मांग की है कि नियुक्ति पत्र देने की तिथि सरकार घोषित करे और जब तक यह नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता दें। तो देख सकते हैं नवंबर शुरू तब पूरी कर ली जाएगी बहाली प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर के अंत या नवंबर शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दो चरणों में ज़्यादातर नियोजन निकायों की काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है। नियोजन निकायों की वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जाँच के बाद तुरंत नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि अगस्त तक जो है वो जारी होगी, ये भी बात कही गई है। देख सकते हैं दोस्तों, और ये मांग किया गया है कि सरकार नियुक्ति पत्र देने की निश्चित तिथि जो है वो घोषित करे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मरकंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता सुनी पांडे ने बताया कि पूरे राज्य में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विभिन्न विषयों में हुई है और विद्यालय में शिक्षक कार्य प्रारंभ होने के उपरांत इनकी सेवा भी की आवश्यकता है। वहीं एक लंबे संघर्ष के बाद इनकी काउंसलिंग की गई। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2012 से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि सरकार एक निश्चित तिथि करे कि किस तिथि को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और देखिए कल चयनित अभ्यर्थियों को जल्दी से नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय भेजेगी सरकार, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष और कुछ अभ्यर्थी मिलकर शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे थे, उन्हें राखी और मिठाइयां देके कहा कि भाई जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही साथ देखिए ट्विटर अभियान भी चलाया गया। ट्विटर अभियान के जरिए भी ये बात रखी गई कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए और ट्विटर अभियान के जरिए पूरी की पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न जल्द से जल्द कर दिया जाए। वहीं आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं बिहार राष्ट्रीय संजय कुमार का एक वायरल ऑडियो भी आया था जो कि सभी ने सुना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है सातवें चरण को लेकर कब तक सातवें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्या कुछ होगा। 5 अंकों का बोनस STT/19 में भी ये क्या मिल पाएगा। सातवें चरण में STT का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने की बात की जा रही है। अब देखिए 5 अंकों के बोनस को लेकर हम एक लेटर देख लेते हैं शिक्षा विभाग का। देखिए यहाँ पर है ये लेटर। इस नियमावली जो कि 2019 में उत्तीर्ण जिन्होंने भी आवेदन किया है STT के लिए छठे चरण में, उनके लिए क्या कुछ था यहाँ पे।
दे सकते हैं। इस नियमावली को ध्यान से पढ़िए। उक्त नियमावली के नियम 6-5-6 जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्त होने में 5 अंक जोड़ा जाएगा। तो देखिए भाई, 5 अंक जोड़ने की बात कही जा रही थी, आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे देखिए 5 अंक जोड़ा जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का आदेश विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में अंकित है। इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय 6ठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधा सूची में संशोधन आवश्यक है। तो देखिए, जहाँ तक सूत्रों से खबर आ रही है कि 7वां चरण जो है, जिस प्रकार से प्रधान सचिव से वार्ता हुई तो उससे ये निष्कर्ष निकला है कि जो 7वां चरण है उसकी प्रक्रिया जो है वो अब जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7वां चरण जो है उसका नोटिफिकेशन भी जल्द निकाला जाएगा। और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हो जाती है 3rd राउंड की, तो अक्टूबर के अंत तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। वहीं जो माध्यमिक टीचरों की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसे एक अलग माना गया है कि भाई ये अलग से जो है माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 7वां चरण में जो बहाली होगी किसकी होगी। तो ये जो अभी एसटीटी जो अभ्यर्थी पास हैं उनकी बहाली जो है वो होगी। दूसरा है मेरिट नॉट मेरिट को लेकर के, क्या सर्टिफिकेट में नॉट मेरिट या मेरिट जो है शब्द रहेगा या हट जाएगा। तो देखिए, मेरिट नॉट मेरिट को भी कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि भाई जो मेरिट शब्द है वो सर्टिफिकेट से हट जाएगा और सभी को, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा कि क्वालिफाइड हैं और उनके अंक होंगे और तमाम चीज़ें दी गई होंगी, लेकिन मेरिट और नॉट मेरिट ये शब्द हटा दिया जाएगा, सूत्रों से खबर है। क्योंकि मेन मुद्दा जो गरमाया था वो मेरिट और नॉट मेरिट को लेके ही गरमाया था, जिसे कि विभाग जो है अब समाप्त करना चाहती है, ठीक है। तो ये 5 अंक का जो प्रतिष्ठा विषय में जो बोनस दिया जा रहा है, ये आपका अब जो एसटीटी की बहाली होगी 7वें चरण में, इस नियमावली में नहीं दिया जाएगा। आप 2020 की नियमावली पढ़ लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा प्रावधान नहीं है कि 5 नंबर का जो है वेटेज दिया जाए। साथ ही साथ पटना के पटना जो है न्यायालय में जो फिजिकल कोर्ट है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या सुनवाई हुई है, उस पर भी हमने थोड़ा सा देखा यहाँ पे कि फिजिकल जो है, देखिए लिखा है कल से फिजिकल कोर्ट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा पटना के व्यवहार न्यायालयों में, कल से फिजिकल कोर्ट, ठीक है। तो अच्छी खबर है और जल्द से जल्द चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अब देखिए, शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया है, वो आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। और देखिए, महिला शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को राखी भेज की करी नियुक्ति पत्र देने की मांग। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ जितने भी लोग थे सभी लोग पहुंचे थे शिक्षा मंत्री तक और उन्हें राखी भेंट की। वहीं देखिए, शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट भी आया है, सरकार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने की तरफ आगे बढ़ रही है, सभी चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जाँच होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।